हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ बिना होल किए, बिना ड्रिल किए कैसे हम अपने बाथरूम रैक को चिपका सकते हैं? यहाँ पे मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे। ये मैंने मीशो से लिया था और इनके साथ दो स्टिकर आया था। देखिए, इसमें कुछ भी ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले होता है कि भाई ड्रिल करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। इस तरीके का स्टिकर इसके साथ आता है, स्टिकर नहीं कहेंगे, बहुत ही मजबूत होता है। ये देखिए, इनके बैक साइड से इस तरह से इनके सिल्वर फाइल को निकाल देंगे और इनको अच्छे से दोनों साइड में इक्वल तरीके से चिपका देंगे, जैसा कि ये कर रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है। और जहाँ पे भी आप पहले से ही स्केच से वहाँ पे डॉट बना लो दोनों जगह पे, हमने ऐसा कर लिया था। और बस इनको अच्छे से उस पर होल्ड करवाना है, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब सेकंड वाला भी सेकंड डॉट के सामने हम चिपका लेंगे। ये फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोग से शेयर करूं, क्योंकि ये हर घर में अगर कहीं ना कहीं होल करने की ज़रूरत, ड्रिल करने की ज़रूरत होती है, ऐसे में बहुत परेशानी हो जाती है। हम रेंटेड फ्लैट में रहते हैं और इस तरीके से करने से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और बस ये जो रैक है, इनको बैक साइड से जो पतली वाली साइड होती है उनसे इनको चिपकाएंगे, लगाएंगे। दिखाती हूँ ये लगने के बाद कैसा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से ये होल्ड हो गया वॉल पे। आप इसमें आराम से शैम्पू, सोप, जो भी चाहे वो रख सकते हैं। और ये कहीं से भी गिरने की कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अच्छे से स्टिक हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको, ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से आप अपने घर के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।